गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप कि तुम सब बढ़िया ही होगे। तो मैं इस वीडियो के अंदर तुम लोगों को बताने वाला हूं सेटिंग को लेकर। अब देखो सेटिंग कोई भी होती है, बट अगर तुम लोग का गेम प्ले अगर खराब होता है ना एंड अगर तुम लोग का डिवाइस तुम्हारा साथ नहीं देता है तो समझो तुम लोग का मरना गेम के अंदर फिक्स होता है। अब देखो ये सारी चीजें तो बहुत ही ज्यादा मैटर करती है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बाहर की सेटिंग तो यूज करते हैं बट कई सारी सेटिंग ऐसी होती है जो कि सेटिंग से लेके सेंसिटिविटी से लेके फायर बटन से लेके ये सारी चीजें जो कि अपने फ्री फायर गेम के अंदर ही होता है, बट हम लोग उसको इस तरीके से इग्नोर मारते हैं जिस तरीके से हम लोग एनिमी को सामने वाले को मार देते हैं। सही बात है। बट देखो अगर तुम लोग इस सेटिंग को अगर इग्नोर मारते हो तो समझो तुम लोग बहुत ही ज्यादा मुशक्कतों का सामना करते हुए एनिमी से फाइट करते हो। इस वीडियो के अंदर जो भी सेटिंग में कवर करने वाला ना गाइस, अगर तुम लोग इसको अपने फ्री फायर सेटिंग में परफॉर्म करते हो ना गाइस, इजीली तरीके से तुम लोग का बहुत ही बेस्ट लेवल का परफॉर्मेंस गेम प्ले बनेगा। एंड इतना ही नहीं गाइस, अब यहाँ पे जितने भी मैं सेटिंग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो सारी सेटिंग तुम लोग को फ्री फायर के अंदर ही मिलेगी, क्योंकि आज की वीडियो में मैं तुम लोग को बताऊंगा जितनी भी सेटिंग से लेकर सेंसिटिविटी एंड फायर बटन एंड कस्टम एचओडी की जितनी भी सेटिंग बताने वाला कंट्रोल सेटिंग तक, ये सारी चीजें तुम लोग को अपने गेम के अंदर परफॉर्म करने की कोशिश जरूर करना। एंड अगर तुम लोग इसको एकदम परफेक्टली तरीके से सेट कर लेते हो अपने गेम के अंदर तो तुम लोग का बहुत ही इजीली तरीके से गेम प्ले और भी ज्यादा तगड़े लेवल का जाएगा। तो यस गाइस यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर तुम लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। अब देखो सबसे पहले हम लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं जो कि सबसे ज्यादा सबको हैरान कर देता है, एंड ये चीज सारे बंदे लोगों को इजीली तरीके से अपने गेम के अंदर कभी भी नहीं समझ में आता है। एंड इसका ना समझने का कारण जो है वो है परफेक्ट फायर बटन का साइज। अब देखो ये फायर बटन का साइज इस तरीके से होता है जिस तरीके से कपड़ा होता है। अगर तुम्हारा कपड़ा अगर तुम लोग के हिसाब से परफेक्ट होता है तुम लोग के बॉडी के अकॉर्डिंग तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे दिखाई देते हो एंड एकदम कातिल लगते हो, बट सही बात है। वहीं अगर तुम लोग का परफेक्ट फायर बटन साइज तुम लोग के डिवाइस के अकॉर्डिंग नहीं होता है तो सामने वाला एनिमी तुम लोग को बार बार वन टैप मारेगा बट तुम लोग उसको जीरो बार वन टैप मारोगे। एंड इसका सबसे बड़ा यही वजह है कि अपना परफेक्ट फायर बटन साइज तुम लोग को रखना बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। क्या कह रहा चूतिया? अब देखो अगर मेरे अकॉर्डिंग चला जाए तो मेरा फायर बटन का साइज कितना है एंड तुम्हारा कितना होना चाहिए। अब देखो अगर मेरा 4GB रैम का डिवाइस है तो अगर तुम लोग 49 फायर बटन का साइज रखते हो तो लिटरली बता रहा हूँ कैसा तुम लोग मेरी तरीके से एकदम लाइक मेरी तरह परफेक्टली तरीके से वन शॉट कनेक्ट करोगे एंड तुम लोग का जो ज्यादा से ज्यादा तुम लोग का रिक्वायल भी नहीं होगा। एंड जो उसके साथ में दूसरा आता है वो होता है पोजीशन को लेकर। अब देखो जितना ज्यादा तुम लोग का फायर बटन मैटर करता है जो कि उसकी साइज जो होती है, बट उसी के साथ में तुम लोग का पोजीशन भी बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। अब देखो बहुत सारे बंदे क्या करते हैं कि अपने फायर बटन का जो पोजीशन होता है ना बहुत ही गड़बड़ तरीके रख देते हैं। अब अगर तुम लोग यहाँ पे मेरी कस्टम एचओडी के अकॉर्डिंग देखोगे तो लाइक मैंने कुछ यहाँ पे अपने फायर बटन को रखा है। यस गाइस यार तुम लोगों को ना ज्यादा ऊपर की तरफ ना ज्यादा नीचे की तरफ, जिससे तुम लोग बहुत ही परफेक्टली तरीके से ड्रैग शॉट या फिर हेड शॉट बहुत ही इजीली तरीके से परफॉर्म कर पाओगे एंड यही सबसे इसका मेन रीजन है। एंड वहीं अगर बात कर लीजिए अगर तुम लोग चाहो तो अपने फायर बटन की साइज 40 तक भी रख सकते हो एंड 45 भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैं तुम लोग को तीन ही फायर बटन की साइज बता रहा हूँ जो कि इसमें से तुम लोग कोई भी अगर तुम लोग अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग यूज करना चाहते हो तो अगर तुम लोग यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो, जिससे तुम लोग का बहुत ही परफेक्टली तरीके से हेड शॉट कनेक्ट होगा। बट अगर तुम लोग 50 के ऊपर अपने फायर बटन की साइज रखते हो तो समझो तुम लोग का कहीं ना कहीं से डिसएडवांटेज बहुत ही ज्यादा होता है। तो यस गाइस तुम लोग को अपने फायर बटन की साइज एकदम फिक्स रखना है। एंड उसके बाद जो आता है सेंसिटिविटी को लेकर। अब देखो सेंसिटिविटी के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियो के अंदर कवर भी किया है, इस पर मैं ज्यादा बात ना करते हुए तुम लोग को एक ही चीज एक्सप्लेन करूंगा कि गाइस तुम लोग कभी भी अपनी सेंसिटिविटी को हमेशा कोशिश किया करो कि 100 पे रखो। एंड वहीं अगर तुम लोग का 4GB रैम का मोबाइल है तो कभी भी गाइस तुम लोग को हमेशा अपनी सेंसिटिविटी को 100 पे ही रखना है। एंड वहीं अगर मेरी बात कर लीजिए गाइस मैं तो हमेशा अपनी सेंसिटिविटी को 100 पे ही रखता हूं, जिससे मेरा बहुत ही परफेक्टली तरीके से हेडशॉट कनेक्ट होता है। यस गाइस अगर तुम लोग 4GB रैम तक का मोबाइल है तो तुम लोग कभी भी गाइस अपनी सेंसिटिविटी को 100 पे ही रखना है। अदरवाइज तुम लोग का एक हाईर लेवल का डिवाइस है तो तुम लोग को थोड़ा बहुत अपनी सेंसिटिविटी को कम रख सकते हो, यानी कि 85, 80 एंड 90 तक कर सकते हो, बट उससे आगे पीछे नहीं करना है। एंड तुम लोग चाहो तो हाईएस्ट लेवल पे भी अपनी सेंसिटिविटी को रख के खेल सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एंड उसके बाद जो आती है कंट्रोल सेटिंग को लेकर। अब देखो बहुत सारे बंदे ना कंट्रोल सेटिंग में भी बहुत ज्यादा मिस्टेक करके रखते हैं। अब देखो अगर मैं तुम लोग को यहाँ पे पूरी कंट्रोल सेटिंग अगर एक्सप्लेन करूंगा ना गाइस तुम लोग को बहुत ही ज्यादा टाइम चले जाएगा, जिसकी वजह से तुम लोग पूरी तरीके से वीडियो भी नहीं एनालाइज कर पाओगे। यस गाइस अगर तुम लोग मेरी कंट्रोल सेटिंग की बात करते हो किस तरीके से अपनी कंट्रोल सेटिंग रखा हूं, यहाँ पे मैं जैसे ही अपने कंट्रोल सेटिंग में जाता हूं जैसा कि तुम लोग देख सकते हो गाइस मैं गन स्विच वाला बटन भी यूज करता हूं, लेफ्ट फायर बटन भी यूज करता हूं, यहाँ पे मैंने ग्रेनेड का डबल स्लॉट भी यूज करता हूं। अगर तुम लोग मेरी कस्टम एचडी में जाओगे तो लाइक कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसका तुम लोग को मालूम होगा कि जो बंदे यूज करते हैं इसका गेम में बहुत ही ज्यादा एडवांटेज मिलता है। तो वहीं अगर तुम लोग मेरी पूरी तरीके से कंट्रोल सेटिंग देख रहे हो तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने कुछ इस तरीके से किया है। अब अगर तुम लोग इसी तरीके से सेम करना चाहते हो तो तुम लोग गाइस यार कर सकते हो। अब यहाँ पे तुम लोग मेरी कंट्रोल सेटिंग देख सकते हो एंड इसी तरीके से तुम लोग भी अपने गेम के अंदर रख सकते हो। मैं यहाँ पे तुम लोग को पूरी अपनी कंट्रोल सेटिंग दिखा देता हूँ। तो आई होप गाइस यार कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा एंड वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं गाइस यार नेक्स्ट वीडियो में।